ये है गोवा की फेमस टिटोज लेन। अभी मैं टिटोज लेन में खड़ा हूँ और ये है मांबो नाइट क्लब। अभी दिन का समय है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्थ गोवा का सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला बीच, और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा हिडन पॉइंट ऑफ बागा बीच गोवा। तो चलिए आज आप बागा बीच का ब्लॉग देखने वाले हैं, लेकिन ये सेंटर एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टिटोज लेन पे ये पार्किंग एरिया बना हुआ है, तो आप यहाँ पे स्कूटी पार्क कर सकते हैं। मैं दिन में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ सो देट आपको समझ में आए, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे पार्क करना है। तो मांबो नाइट क्लब के सामने पार्किंग एरिया है। अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं टिटो हेनरी डिसूजा, जिनके नाम पर ये टिटोज लेन नाम पड़ा है। तो चलिए मैंने पार्क कर दिया है अपनी स्कूटी। अब पार्क करने के बाद चलते हैं कहाँ पर, अंदर की तरफ, और बागा बीच का ब्लॉग एंड बागा बीच की ज़बरदस्त हिडन लोकेशन या फिर हिडन पॉइंट दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि पब्लिक थोड़ा सा कम है, क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको गोवा की प्रेजेंट सिचुएशन या फिर ये कहेंगे बागा बीच की प्रेजेंट सिचुएशन पता चल जाएगी, और ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। तो अगर आप भी गोवा की प्रेजेंट सिचुएशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब मैं आ गया हूँ नॉर्थ गोवा का सबसे ज़्यादा घूमा जाने वाला बीच, जिसे बागा बीच कहा जाता है। मैं पहुंच गया हूं। अब यहां पे आप देख सकते हैं क्राउड, वो देखो। तो चलिए पहले मैं बीच के जस्ट किनारे में पहुंचता हूं, उसके बाद हिडन पॉइंट ऑफ बागा बीच या फिर ये कहें हिडन लोकेशन ऑफ बागा बीच दिखाऊँगा, जो कि नॉर्थ गोवा में बहुत कम लोगों को पता है या फिर पता ही नहीं है। वो लोग आते हैं और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, इंडियन लोग यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। तो नॉर्मल लोग भी यही करते हैं, आते हैं जस्ट यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, खुद नहाते हैं और चले जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि बागा बीच पर विदेशी नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक लोकेशन है, एक पॉइंट है जहाँ पर फॉरेनर्स रहते हैं, जहाँ पर विदेशी आराम करते हैं और अपनी गोवा ट्रिप का या फिर ये कहें गोवा टूर का मज़ा लेते हैं। तो नॉर्थ गोवा में जो भी बीचेज हैं सभी में फॉरेनर्स आते हैं, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, लेकिन बागा बीच एंड कलंगूट बीच में यूरोपियन टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी बताया है। तो ये है गोवा की प्रेजेंट सिचुएशन, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल भरा हुआ है पब्लिक, और पब्लिक इंजॉय कर रही है। अब ये लोकेशन में पहुंच गया हूँ। तो ये लोकेशन कहाँ है, टिटोज लेन के सामने है, और बागा बीच का जो मेन इंट्रेस है उसके बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे ये फॉरेनर्स इंजॉय करते हैं अपनी गोवा ट्रिप का, और उन्हीं सेक्स में आपको यूरोपियन टूरिस्ट मिलेंगे। ये ज़्यादातर ओल्ड दिखेंगे, ओल्ड मिलेंगे, क्योंकि यूरोपियन टूरिस्ट हैं या अमेरिकन टूरिस्ट हैं या फिर कनाडा से आए हुए, और इनमें ज़्यादातर एजेड ही मिलेंगे आपको, यंग टूरिस्ट बहुत कम मिलने वाले हैं यहाँ पर। अब लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ गोवा, फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, गोवा प्रेजेंट सिचुएशन, बागा बीच लेटेस्ट वीडियो, या फिर गोवा के लेटेस्ट वीडियोज देखना चाहते हैं, या फिर नॉर्थ गोवा के बेस्ट बीचेज जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर जो अवेलेबल है आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।